क्यों सितम ढा रहे हो हम पर? मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर? बात सुनकर हंसकर मुस्कुराकर वो बोले, हमसे टकराना मना है। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया गलत में हां से हां मिलाना मेरी विरासत नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में सियासी हलचल काफी तेज है, बजट पेश हो गया, सीएम अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया, बहुत सारे राजनेताओं और विधायकों को खुश कर दिया, लेकिन क्या इससे चुनावी बैतरणी पार कर जाएंगे? क्योंकि बीजेपी से मुकाबला अलग है और पार्टी के अंदर गुटबाजी अलग। राजस्थान विधानसभा में बोलते हुए इस महिला विधायक ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी, खास तौर से मंत्री शांति धालीवाल की। कौन है ये महिला विधायक? जी हाँ, इनका नाम है दिव्या मदेरणा। ओसिया से पहली बार विधायक बनी है, लेकिन राजनीति विरासत में मिली है। जिस तरीके से ये बोल रही है, पूरे सोशल मीडिया में छा गई है, विधानसभा एकदम शांत होकर के सुन रहा है। सुनिए कैसे उन्होंने सरकार की उड़ाई धज्जियां। सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल जलाने का शौक आया। मैंने देखा कि क्या हुआ यकायक इन दो दिनों में, वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मना है। वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना, मंत्री जी का मेरे को दीदार ही नहीं हो रहा। उनकी महफिल में जब कोई आए तो पहले अपनी नजरें झुका कर आए। समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ में काश आ जाए समझना, तो इतना ही कहना, इस्तीफा देना। मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं थी उस दिन। मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए। मैं तो 20 में भी अपनी जगह थी, 23 में भी अपनी जगह थी, आज भी सही जगह खड़ी हूं। Somebody who is a convict begging for mercy can be the minister. फिर मैंने फिर सोचा कि चलिए, पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड इन्हीं दो दिन में क्यों हुआ? इसी दो दिन के अंदर ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया? तो मैंने पूछा अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर? बात सुनकर हंसकर मुस्कुराकर वो बोले, हमसे टकराना मना है। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया गलत में हां से हां मिलाना मेरी विरासत नहीं है। प्रियंका गांधी जी के नारे को आत्मसात कर रही हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, द्रौपदी नहीं हूं, बाहरी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए। मैंने 10 साल जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। मैंने 10 साल दोजक पे सजदे किए हैं। इस धरती पे दोजक का नाम कारागृह को कहता है, उसी कारागृह पे मैंने 10 साल सजदे किए हैं। मैंने कांटों से नहीं, फूलों से धोखे खाए हैं। मैं सहारों से धोखा खाई हूं, अब सहारों से बच के चलती हूं। मैं राजस्थान इस मर्दों के प्रदेश में महिलाओं की और वीरांगनाओं की दबंग आवाज बनकर गूंज रही हूं। मेरा दोष क्या है? मेरी वारदात कुछ भी नहीं। सब बजा लेंगे आप, नहीं बोले। मेरी वारदात कुछ भी नहीं। हां हां थी। मैं पार्टी के प्रति फरमा बरदार थी। मंत्री महोदय आलाकमान को भी चुनौती दे सकते हैं, मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूं, बावफा फरमा बरदार हूं अपने दल के प्रति। मुझे इस दो दिन के घटनाक्रम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं, क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे, जो डूबेंगे सनम तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। तो मैं नहीं डूबूंगी, मैं तो पहले भी नहीं आई थी। राठौर साहब ने बिल्कुल कर दिया। मैं तो रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जो रिट्रैक्ट कराए सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता, मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। गुजर कितनी दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं ये सर्वविदित है। मीना समाज,
कि कद्दावर नेता को आप आतंकी की समान उपाधि देते हैं। जाट समाज की बेटी मंजू को नाते के नाम से लेकर आप चरित्र हनन करते हैं। ये तीनों गुजर, मीना और जाट खेतिहार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45% से ज्यादा राजस्थान में इसका हिस्सा है। गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 6 महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं। यहां सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं, यहां सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं। निगाहें उठती नहीं, खम उठाए जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिस रिवेंजफुल एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की उस वक्तव्य की निंदा करी तो वहां पर जेडीसी मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। दिस पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड, लेट द राजस्थान सी इट, कि अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मंजू जाट हमारे समाज का गौरव है, वो वीरांगना। अभी जाट महाकुंभ हुआ था, नहीं सुनेंगे हम इस तरीके की प्रथा। ये सुनने के लिए हम उच्च स्तर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए। आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं, और ये सरकार का वक्तव्य नहीं था। सरकार का वक्तव्य इतना था कि कब कब FIR हुई और कब कब हमने अरेस्ट किया। और मैं इस बात का, मुख्यमंत्री जी के इस बात का समर्थन करती हूं कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी दी तो जो हमारा पीछे रूरल बैकग्राउंड है उसके अंदर हो सकता है कि पियर में ब्लैकमेल कर लेके जाइए, तुम नौकरी लेके आइए किसी की, नहीं तो हम घर में नहीं रखेंगे। इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट दीज वुमेन। इसलिए हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। वो बच्चे, शहीद के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने चाहिए, लेकिन किसी कारण अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो उच्च पदों के पढ़ाई नहीं ले पाए तो वो नौकरी उसके लिए रिजर्व होनी चाहिए। ये कहकर आप मत टालिए कि वो नाते में गई और आपने कभी देवर को दिया है क्या। मत करिए इस तरीके से चरित्र। आपने सरकार का, रुकिए मैं फिनिश कर रही हूँ, ये सरकार का वक्तव्य मैं से अग्री करती हूँ, लेकिन आपने वक्तव्य को कैसे पेश किया। आप कहिए कि उन्होंने बैन हैंडलिंग हुई, कांच फोड़े, ये किए, आतंकी के समान कैसे कह देंगे। और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि आपने पहले उनके नेता को कहा और दूसरे दिन उन्होंने हमारे प्रभारी को आतंकी कह दिया। ये कौन सा उदाहरण हम सेट करेंगे। मैं अर्थ में इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी, क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे को। मेरे खून आरजू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरे खून आरजू को वो समझ रहे हैं पानी। मेरी रोडे रोक कर नहीं कर, मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मैं सही के लिए खड़ी हूं उन जनप्रतिनिधियों से, और कभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है। 6 महीने की अवधि है, हम सब चुनाव में जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास, जिस कलम से दस्तखत करते हैं, इस पे इतना मत इतराइए। ये भी उधार की है, ये भी उधार की है, और ऐसे दरिया तो बहुत चढ़कर उतर जाते हैं। धन्यवाद। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में वीरांगनाओं ने आंदोलन किया था। पुलवामा हमले के शहीदों की ये पत्नियां थीं, मांग कर रही थी कि उनके रिश्तेदारों को नौकरी दे दी जाए। अशोक गहलोत ने दो टूक जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। सचिन पायलट सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता तो प्यार से बात तो हो सकती है, वो भी नहीं हुई। इसी को लेकर के वो शांति धारीवाल जो वहाँ के मंत्री हैं उनको घेरा, लेकिन शांति धारीवाल ने दिव्या मंदिरणा के क्षेत्र से जुड़े जो सड़कें हैं उनका विकास कार्य रोक दिया। बस वो बरस पड़ी और बोली तो फिर शेरो शायरी के जरिए वार करती गई, वार करती गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। बीच बीच में अशोक गहलोत के लिए कुछ अच्छे शब्द कहे हैं, लेकिन चूंकि वो सरकार के मुखिया हैं और शांति धारीवाल पे अटैक हो रहा है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कई गुट बने हुए हैं। अब इनका स्वभाव या इनकी राजनीतिक स्टाइल शांति धारीवाल को पसंद नहीं है तो उन्होंने इनके सड़कें ही रोक दी। उसी को लेकर के वार कर रही हैं और हो रही हैं वायरल। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।